इसी के काम के लिए वर्धा नदी के धानोरा यहाँ का पुल एक महीने के लिए बंद रहेगा। घुघू से नजदीक है धानोरा के वर्धा नदी का पुल। यह राजूरा और चंद्रपुर तहसील को जोड़ने वाला मुख्य दुआ है। गढ़चांदूर परिसर के नजदीक है सभी उद्योग द्वारा होने वाली यातायात इसी पुलिया से पिछले अनेक वर्षों से हो रही है। इस पुल की निर्मित होकर करीब 25 वर्ष से ज्यादा कालावधि बीत चुका है। उनके द्वारा होने वाले भारी यातायात से इस पुल की हालत पिछले कुछ वर्ष से खस्ता है। इस स्थिति को देखते हुए यहां के सामाजिक कार्यकर्ता इबादुल हसन सिद्दीकी ने बार बार इस पुल की दुरुस्ती संदर्भ में शासन के पास पत्र व्यवहार कर कुछ महीने पूर्व इस पुल के बैरिंग दुरुस्ती का काम करने सार्वजनिक बांधकाम विभाग में बाध्य किया था। उसी विषय पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांडर कौड़ा इनसे चर्चा कर इस खतरनाक पुल का विशेषज्ञ टीम द्वारा निरीक्षण कर बड़े पैमाने पर मरम्मत करने संबंध हाल में चर्चा की। इस पर जल्द कार्रवाई कर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने विशेष टीम ने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाड़े और उप मुख्य कार्यकारी अभियंता उदय भोयर इन्हें पेश करने से सरकार ने इस पुल के काम के लिए 4 करोड़ रुपए हाल में मंजूर किए हैं। इस पुल के मरम्मत के लिए 23 फरवरी से उक्त पुल एक महीने के लिए बंद किया जाएगा। इस संबंध की अधिसूचना सरकार द्वारा संबंधित विभागों को निर्गमित की गई है। इससे आगे के एक महीना इस पुल से गढ़चांदूर से बनी की ओर जाने वाली यातायात गढ़चांदूर कोरपना आबई फाटा चारगांव चौकी से बनी ऐसी की गई है। साथ ही गढ़चांदूर से घुघुस की ओर आने वाली यातायात यह सांगोला फाटा गाड़ेगांव विरूर मुंगोली नकोड़ा से घुघुस की ओर कैसी फेरी जाए। साथ ही गढ़चांदूर से चंद्रपुर की ओर जाने वाली यातायात खामोना गौरी कड़ोली हड़स्ती दाताला से चंद्रपुर ऐसी की जाएगी। उक्त काम से यातायात में थोड़ी बाधा होगी। पुल की दुरुस्ती से भविष्य में होने वाले हादसे कम होंगे, साथ ही पुल की वयो मर्यादा भी बढ़ेगी। यह विशेष धानोरा के पास में वर्धा नदी पे बना पुल की दयनीय हालत थी। 2.5 साल पहले मैंने इस विषय को अनेकों पुलिया के ऊपर में सलाखें निकली हुई थी, कई जगह गड्ढे पड़े हुए थे, रेलिंग नहीं थी, हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती थी। इस विषय को मैंने चंद्रपुर के उप विभागीय माननीय अभियंता उदय भोयर साहब जो उस टाइम तत्कालीन थे उनके ध्यान में लाके दिया। उन्होंने अपने सहायक माननीय गिरनारे साहब को लेके पुलिया का दौरा किया। पुलिया के दौरा करने के बाद में उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया जिसमें बैरिंग चेंज करने, रेलिंग लेने और माइक्रो कंक्रीटिंग करने का प्रस्ताव उन्होंने तैयार किया और वो प्रस्ताव उन्होंने माननीय अधीक्षक अभियंता चंद्रपुर सुषमा साखरवाड़े मैडम इनके तरफ में प्रस्ताव दिया। मैडम ने प्रशासन को भेजा और वो मंजूर होके 3 महीने पहले निर्माण के लिए 4 करोड़ मंजूर हुए। बैरिंग उसमें से 2 महीने पहले उसकी बैरिंग चेंज की गई है। अभी कल से वो रास्ता 1 महीने के लिए बंद रहेगा क्योंकि उसके ऊपर में रेलिंग लगेंगी और उसके ऊपर में माइक्रो कंक्रीटिंग होंगी। जनहित में ये काम हुआ इसके लिए पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को धन्यवाद, मीडिया के सभी भाइयों को धन्यवाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद और ठेकेदार से अपेक्षा है कि अच्छा काम हो, मजबूती वाला काम हो जिससे भविष्य में काफी दिनों तक पब्लिक के हित में ये पुलिया काम में आ सके।